देखिए, इस तरह का जो प्रश्न है वो रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं अपने वीडियो में इस प्रश्न को लिया हूँ। ए और बी के चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटा अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। चालों का अनुपात दिया है, चाल का अनुपात दे रखा है 5:4। अब दोस्तों, इसे आप पलट देंगे तो समय का अनुपात बन जाता है। इन दोनों को आप पलट दीजिए, 4:5 कर दीजिए, तो ये समय का अनुपात बन गया। अब जो है, अनुपात हटाने के लिए किसी संख्या से गुना कर दीजिए, तो समय है तो टी का ही गुना कर देते हैं, तो 4t और ये 5t। चलिए, ए और बी का समय निकल गया, तो 5t - 4t बराबर 2 घंटा। अब इन दोनों को घटा लेते हैं, 5t में से 4t गया, 1t बचा, यानी टी हुआ, टी बराबर हो गया 2, यानी टी का मान निकल के आ गया 2। अब इसी में टी का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। या 4t है तो टी का मान कितना है 2, और यहाँ 5t है तो टी का मान है 2, 2 का कर दीजिए, 4 × 2 = 8 और 5 × 2 = 10, ये आपका आ गया 8 घंटा और 10 घंटा समय निकल गया। आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे इसमें दिया हुआ है कि दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है अनुपात वो किसका दिया हुआ है, समय का। लिख दीजिए समय बराबर, समय का अनुपात दे रखा है 5:4 का। चलिए, इसी को यदि आप पलट देंगे तो चाल का अनुपात बन जाएगा। चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले व्यक्ति की चाल रेशियो में 4 है, तो 4 बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 बराबर क्या होगा, 16/4। चलिए, तो दूसरे की चाल ज्ञात कीजिए, तो दूसरे की चाल कितना है रेशियो में, 5, तो 5 बराबर निकाल दीजिए, डायरेक्ट 5 से गुना कर दीजिए, या फिर 1 का निकाल के 5 का गुना कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो 4 चौका 16, और 4 पच्चे 20, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा।